Good morning, students. Good morning. Good morning, everybody. आप सब क्वेश्चन समझ गए? आज की क्लास शुरू कर रहे हैं. ओके, आपको सर्दी के मौसम है. चलो कल की क्लास आपको पढ़कर समझ गए. मैं समझती हूँ, वीडियो देखी है. चलो कल क्या क्या पढ़ा, कल हम क्या विषय लेके आए थे? हम लेके आए थे फलों, फसलों के त्योहार. फसलों के त्योहार भारत में बहुत सारे राज्यों में अपने अपने तरीकों में मनाते हैं, है ना. कल हम क्या करते हैं, मकर संक्रांति और मकर संक्रांति बिहू, बैसाखी, पोंगल और इतना सारे हैं. कौन कौन से राज्य में किए थे? हम किए थे पंजाब, लोहड़ी पंजाब, बिहू असम और पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, मकर संक्रांति हरियाणा, कर्नाटक उत्तर भाग, कर्नाटक के ओ मकर संक्रांति के एक झलक. मकर संक्रांति एवरी ईयर जनवरी 14th या 15th में आता है. ये मकर संक्रांति धन संक्रमण से, मकर संक्रमण के एक रेखा से ये दिन से दिन दिन उसका आपको दिन ज्यादा है. मकर संक्रांति के बाद दिन बड़ा होगा, रात कम होगी. अभी दिन कम है, रात बड़ा है. ये और ये तीन दाल चावल के पकवान बनाते हैं, स्वीट और जुड़ा जुड़ते हैं. कई स्थलों में उत्तर दक्षिणायन से उत्तरायण के जाने का एक बहुत अच्छा दिन आते हैं. एक जना संक्रांत दक्षिणायन में देवों को एक बुरे दिन है, रात है. उत्तरायण में ये दिन है, शुभ दिन होता है. ये शुभ कर्म में बहुत सुंदर. नेक्स्ट लोहड़ी में ये पंजाब के अनेक जिलों में बनाते हैं. सिंध लोग ये लाल लोहड़ी गाकर मनाते हैं. ये युवती युवतियों के बहुत सुंदर कपड़े पहनकर गाना गाकर सुनाते हैं. और ये विवाह हुए लड़कियां लड़के सारे लोगों में दुल्हन पट्टी लेकर ये कुछ लकड़ियाँ मांगकर और ये जीरा सभी ये लेकर ये जगह में लगकर ये लेते हैं. ये इसका बहुत सुंदर है. नेक्स्ट बिहू, बिहू तीन रूप में मनाया जाता है. एक अप्रैल में, एक कार्तिक मास में, एक मकर संक्रांति. ये तीन पे जाति पाति का कोई कुछ ये नहीं. ये आसाम के प्राचीनता को अपना सुनाते हैं, जीवन शैली को अपना सिखाते हैं. ये बहुत आसाम के ये एक बहुत मुख्य पर्व है. चलो और पोंगल, पोंगल तमिलनाडु के है. ये 4 दिन के मनाते हैं. ये विवाहित महिलाएं रंगोली का रंगोली आंगन में चुनाते हैं और ये स्पर्धा भी होते हैं. और मिट्टी के बर्तन में ये पकवान बनाते हैं. सी पोंगल, खारा पोंगल बनाते हैं. ये बहुत तमिलनाडु की एक बहुत मुख्य पर्व है. ऐसे ही ओणम, ओणम एक केरला के प्रमुख त्यौहार है. ये 10 दिन मनाया जाता है. ये मुख्य महाबली के नाम से मनाते हैं और इसके अलग अलग पकवान भी होते हैं. अलग अलग वृत्ति में होते हैं, कपड़े में सजावट ये वस्तुओं के त्यौहार से मनाते हैं. ये पशु पक्षियों सभी को एक सुंदर ये मुख्य होते हैं. और ये दूध का पकवान बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं. दूध के 18 तरीके के पकवान व्यंजन बनाते हैं. ये सरकार भी मान्यता दिए. ये पांच ये क्या है, फसलों के त्यौहार. फसल आने से ये
मकर संक्रांति और लोहड़ी और बिहू और पोंगल और ओणम इतना खल के तस्वीर करके आज है ना। हाँ बैसाखी कौन सी पंजाब के बैसाखी क्या है। बैसाखी भी एक हरी भरी त्योहार ये अन्नदाता किसान की बहुत तो परिश्रम से होता है क्योंकि ये भी फसल आने से ये भी पंजाब के मुख्य त्योहार है। ये राष्ट्रीय त्योहार भी कहकर बनाते हैं। ये 13 अप्रैल के दिन होता है। ये पंजाब के अन्नदाता किसान का बहुत परिश्रम क्योंकि ये परिश्रम का ही त्योहार है। ये एक पुराना भी एक कथा जोड़ता है। ये 13 अप्रैल को श्री गुरु गोविंद जी ने एक सभा बना कर क्या किया था। ये कौन शक्तिमान युवक होते हैं ये मुझे होना कौन है कहने से कोई भी नहीं उठकर सभा में नहीं होते और पूछने पे पांच लोग होना मुझे और पांच लोग आने के मना है छह लोग जैसा कहने से ये पांच अगले दिन पांच युवक खाते और पांच लोगों को साथ में बुलाकर उसे खिलाकर वो शक्ति शक्ति एक रूप बनाते हैं संचरित करते हैं क्योंकि तब वो टाइम में वो क्या हुआ था मुगलों का अत्याचार बढ़ गया था। लकड़ी और लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया लोगों पर अत्याचार बढ़ गया। ये सब भी बंद करने के लिए एक स्ट्रांग कम्युनिटी बना था और स्ट्रांग एक ग्रुप बना था। वो ये गुरु गोविंद जी के सहायता से हुआ। जब वो लोगों का इकट्ठा कर लोगों में क्या शक्ति और शक्ति का संचरित किया ज्ञान का संचरित किया हम लोगों का रक्षण का संचरित किया तब इसलिए ये उसका नाम से भी ये बैसाखी त्योहार मनाते हैं। बैसाखी त्योहार में एक पकवान भी अलग अलग जैसा है और लोगों का गाना लड़कियों का गाना नृत्य बहुत सुंदरता से ये चलता है। ये केवल पंजाब के ही नहीं ये राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी ये मनाते हैं। नेक्स्ट है होली का है केवल उत्तर भारत में है ये ऑल इंडिया केवल उत्तर भारत में ऑल ओवर इंडिया में ये कब मनाते हैं। ये एक दिन का नहीं ये 3 दिन का त्योहार है। ये है ना ऑल ओवर इंडिया में इस राज्य में मनाते हैं उस राज्य में मनाते ही नहीं। ये फाल्गुन वर्ष के पुण्यम के दिन होता है। ये फाल्गुन वर्ष में 3 दिन का पहला होली के पहला दिन ये दहन होता है। होली का ये प्रहलाद के एक हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के एक पुराने कहानी के साथ जुड़ा है। ये होली कहानी से हर बच्चों में एक हलचल होता है एक खुश होता है। रात मांगना है नए कपड़े लेना है घर में पकवान है सभी ये एक एक नहीं सभी छोटे बच्चों से बड़ों तक भी ये होता है और ये प्यार का निशान है। रंग बोझना रंग डालना ये सभी एक बहुत आज भारत में एक और
जिंदगी रंग होता है और देश भर में ये रंगी रंगीला होता है। ऐसा हम सोचते हैं, ये रंग डालने से हमारा दिल में रहने वाला एक गलत काले आदतों को भी भूल जाना है। ये रंग ऐसा एक बहुत मुख्य होता है। ये रंग को केवल रंग ही नहीं, हमारा जीवन का एक रंग के रूप में एक और भी बनाते हैं, छोटे बच्चे भी बनाते हैं। एक बोर्डिंग के पहला दिन ये सारे लड़के लड़कियाँ वो ये घर में एक पैसे मांग कर सभी घर में पैसे ये सभी ये लाकर इकट्ठा करकर मम्मी के पीछे के पहला दिन ये पूरा पूर्ण रूप से जलाकर आफ्टर मॉर्निंग में ये सभी रंग के होली खेलते हैं। होली ही एक होली है, इसका सही समान कोई त्यौहार नहीं होता। ये बड़ो छोटा गरीब बुरे और पीछे आगे ऊंच नीचे क्या भी कुछ ये इसमें शामिल नहीं होता। ये केवल रंगी रंगीलाला होकर होने सारे भारत में ये त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट है नौ खाई ये ओडिशा के ओडिशा में ये मनाते हैं। ओडिशा में ये ओडिशा के त्यौहार है। ओडिशा के एक प्रमुख त्यौहार है ये ना। ये गाने नाचना युवक युवतियों का नाचना गाना और एक रंग बिरंगे कपड़े डालना कपड़ा पहनना नए कपड़ा पहनना ये सभी ये होता है। इसमें पूर्वजों के याद करते हैं और पूरा कुल देवता का पूजा करते हैं, फसलों का पूजा करते हैं, खेतों बाड़े जाकर सभी लोग जाकर वो पूजा करते हैं और पूर्वजों का ये पूजा करते हैं। ये खाड़ी एक नाम से बोलते हैं। खाड़ी मीन्स फल, फलों को इकट्ठा कर वो पूजा करते हैं और ये नौ रूप के ये दाने खाना सभी पका कर धरती फसलों को पूजा करते हैं ये सभी। और नौ टाइप्स के फल पकवान सभी रखकर ये पूजा कर पूर्वजों का याद करते हैं। ये ईद में सभी पूर्वज आकर हमें ब्लेसिंग करते हैं ऐसा सोचकर ये कुल देवता का पहला पूजा होता है। ये 3-4 दिन का ये त्यौहार होता है। ये ओडिशा के बहुत प्रामुख्य होता है। चलो और वांगला उत्तर पूर्व भारत में मनाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में मनाता है। ये ओडिशा के घारो जनाए के लोग ये बनाते हैं। केवल ये डांस के रूप में नृत्य के रूप में ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार हवा रुको रूप में मनाते हैं। ये केवल फसलों का त्यौहार है। हवा रुको मीन्स फसलों का त्यौहार। ये फसलों को लाकर इकट्ठा कर ये डांस के रूप में ये त्यौहार मनाते हैं। छोटे बड़े ऊंच नीच कुछ नहीं, सभी लोग मिलकर ये मनाते हैं और ये लोग ये त्यौहार मेघालय असम बांग्लादेश ये नागालैंड ये कुछ राज्य में ये मनाते हैं। ये केवल डांस के रूप में ही ये त्यौहार मनाते हैं। ये केवल बहुत सारे लोगों
मैं इसे ये केवल ना ना नारो गारो जना के लोग ये त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है विशु। विशु केरल और तमिलनाडु। केवल और केरल और तमिलनाडु में ये मनाते हैं। मुख्य ये अप्रैल के अप्रैल में भी ये मनाते हैं। ये त्योहार वैशाखी पंचमी मत प्रमुख
ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊಘಲರ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಹಿಂಸೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನವಕಾಸಿ ನವಕಾಸು ಒಡಿಸಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಬಸವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತರಹದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಹ ವಾಹ ಉತ್ತರ ಪರ್ವದ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತುಂಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೌರವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇದು ಮೇಘಾಲಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪರ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಇದು ಕಾಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫಲ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಂಥ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೋಗಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಹಣೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಸಂತ ಋತುವನ್ನು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್.